हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम रीड करने लगे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हमने डिटेल डिस्कस किया था फार्मूलाज के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो अब फर्दर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स हम नोट करेंगे, तो जिसके अंदर हम इधर एग्जांपल देते हैं। मीथेन है हमारे पास, इधर हम इसको लिखते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला को, हम इधर लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। एंड देन इधर आ गया जी कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, और द लास्ट वन इज़ स्ट्रक्चर फार्मूला। तो हम इसके मुताबिक आज इसको रीड करेंगे। तो इसमें वो कहता है मीथेन हमारे पास क्या होता है, CH4 होता है, जबकि कंडेंस के अंदर भी हमारे पास सेम आ जाएगा CH4, क्योंकि कंडेंस करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। इधर जो एटम हमारे पास शो हो रहे हैं वो बिल्कुल ही उसी हालत में, क्योंकि CH4 का स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास, उसको जैसे मर्जी रीअरेंज कर लें तो ये हमारे पास इस हालत में ही रहेगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास आता है जी इथेन, इथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है जी, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C2H6, और इसको हम करते हैं जी हर कार्बन के साथ तीन तीन एलिमेंट किसके आ गए हैं जी, वो हमारे पास हाइड्रोजन के आ गए हैं, और इसको हम आगे फर्दर ऐसे अटैच करेंगे अपने स्ट्रक्चर फार्मूला के साथ। ये हमारे पास इथेन का आ गया। अब वो कहता है जी प्रोपेन, वो डिस्कस अबाउट द प्रोपेन, प्रोपेन का जो हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो हमारे पास है C3H8, और ये हमारे पास आ गया CH3, CH2 एंड देन CH3। तो अब हम इसको लिखेंगे ऐसे सी 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 1 2 3, 1 2 1 2 3, या आप देखते जाइएगा, काउंटिंग आपकी सही होनी चाहिए, आपका स्ट्रक्चर फार्मूला एग्जैक्ट बनना चाहिए। देखें CH C3H8 है, तो हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास क्या है हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं। तो अब आगे फर्दर जाते हैं जी, हमारे पास क्या आ गया जी ब्यूटेन, ब्यूटेन का हमारे पास फार्मूला आता है जी C4H10। ये देखिए एक एक इसमें इंक्रीज हो रहा है कार्बन, लेकिन इसमें जो इंक्रीजेशन है ऑफ हाइड्रोजन की, वो दो दो एटम इसके साथ क्या हो रहे हैं अटैच होते जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास आ गया जी ब्यूटेन, ब्यूटेन का हमने एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। तो ब्यूटेन का आ जाता है हमारे पास ये, एंड देन कहता है जी CH2 के, ये देखें ये क्या चीज़ है, ये इसका मतलब है कि CH2 के जो है हमारे पास वो दो हमारे पास एटम है CH2 के, ठीक है, CH2 के हमारे पास दो एटम है, इसको इसलिए उसने मल्टीप्लाई कर दिया कि इसको दो में जाहिर कर दिया इसने। अच्छा जी, तो ये आ जाता है हमारे पास इसकी जो हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर हमने कार्बन 1 2 3 और 4 कार्बन रखने हैं, एंड देन ये हमारे पास आ गया जी, ये देखिए ये हमारे पास किसका आ गया जी ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, एंड द लास्ट में वन इसके आ गया जी हमारे पास इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। ऐसे ही आप देखते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी कि आप इसको यही इंक्रीजेशन होती जाएगी, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन एटम बढ़ते जाएंगे, इसी में ही आपके कार्बन के एटम बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन के एटम्स बढ़ते जाएंगे, सेम यही थिंकिंग रहेगी, सेम यही पैटर्न रहेगा, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी, किसी किस्म का आपको कोई मसला नहीं, परेशानी नहीं बनेगी। तो आपने बस इसका ध्यान रखना है कि अभी आपने इसको एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या आगे फर्दर जाते हैं पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नोन एन, डीकेन, यानी कि C10H12 22 तक जाता है, C10H22 तक ये हमारे पास क्या है सेम यही कैटेगरी के फार्मूलाज जाते हैं। तो हम इसको आगे फर्दर रीड करते रहेंगे, इसी के जो फार्मूलाज हमारे पास आते हैं इधर हम लिख देते हैं ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नोनेन एंड डीकेन।
ठीक है, इसके आप इधर फार्मूला लिख सकते हैं, सी फाइव एच ट्वेल्व सी सिक्स एच फोर्टीन सी सेवन एच सिक्सटीन सी एट एच एटीन सी नाइन एच ट्वेंटी एंड सी टेन एच 22। थैंक यू वेरी मच।